हाय एवरीबॉडी स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 7 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये समझेंगे कि इस टाइप के किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो दो एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोड्स हम लोगों ने ले रखी होती हैं, उन इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करे जा सकते हैं। सो इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेथड, द प्रोसीजर टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या मोर प्रॉपरली द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड। आई होप स्टूडेंट्स, आप लोग को प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ाए गए ये कॉन्सेप्ट्स याद होंगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ाया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप का होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसमें से हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल टर्म को ऑलमोस्ट डिस्कार्ड कर चुके हैं, एंड इन प्लेस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वी प्रेफर टू यूज द टर्म लो रिडक्शन पोटेंशियल। तो किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक इलेक्ट्रोड लो रिडक्शन पोटेंशियल पे होती है, यानी कि द एनोड इज एट लो रिडक्शन पोटेंशियल एंड कैथोड इज एट हाई रिडक्शन पोटेंशियल। तो बेसिकली दोनों ही इलेक्ट्रोड्स को हम रिडक्शन की टर्म्स में स्पेसिफाई करते हैं। एक इलेक्ट्रोड लो रिडक्शन पोटेंशियल पे होती है और एक हाई रिडक्शन पोटेंशियल पे होती है। तो लो या हाई तो होना रिलेटिव प्रॉपर्टी है। इन सिंपल टर्म्स हम ये कहना चाहते हैं कि हम आज की क्लास में ये सीखेंगे कि इन इलेक्ट्रोड्स का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ऑलरेडी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड सेल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट भी करवा चुका हूं। सेल पोटेंशियल में मैंने आपको बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रोड में एक इलेक्ट्रोड लो रिडक्शन पोटेंशियल पे है और दूसरी हाई रिडक्शन पोटेंशियल पे है, तो डेफिनेटली उन दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल में एक डिफरेंस होता है, एंड दैट डिफरेंस कैन बी सिंपली कैलकुलेटेड by subtracting the low reduction potential from high reduction potential. तो अगर हम high reduction potential minus low reduction potential कर दें, तो जो difference हमें मिलेगा, उस difference को cell potential कहा जाता है, और उस cell potential को E cell से represent करते थे। मैंने आपको इसका formula भी बताया था, E cell can be represented as E cathode minus E anode, because we all know कि cathode is at high reduction potential and anode is at low reduction potential. As per the universal convention, मैंने आपको यह भी बताया था कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करते हैं, तो हमेशा राइट साइड में कैथोड बनाया जाता है। तो क्योंकि कैथोडिक प्लेट हमेशा राइट साइड में ही होती है, तो E ऑफ कैथोड कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज E ऑन द राइट हैंड साइड माइनस E ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले में आपको तीन चीजें नजर आ रही है, E सेल, EC and EA, जिसमें से E cell तो है cell potential. Cell potential का in simple terms meaning है इस cell से मिलने वाली voltage, और उस voltage को पता लगाने के लिए हमने यहाँ पे voltmeter लगा रखा है। तो आप ये मानकर चलिए कि इस voltmeter से हमें E cell की value तो directly पता चल जाएगी। लेकिन the question is this कि अगर हमें EC और EA पता लगानी है, individual electrode potential पता लगानी है, cathode पे कितना potential है, anode पे कितना potential है, तो वो कैसे पता लगेगा? ऐसा नहीं हो सकता स्टूडेंट्स कि हम एक सिंगल इलेक्ट्रोड पे वोल्टमीटर लगा दें और वो वोल्टमीटर हमें सिंगल इलेक्ट्रोड की वैल्यू बता दे, बिकॉज वोल्टमीटर का सर्किट तो तभी कंप्लीट होगा जब आप उसे दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में कनेक्ट करेंगे, और जैसे ही हम दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में कनेक्ट करेंगे तो वोल्टमीटर हमें दोनों का डिफरेंस बता देगा। तो फिर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर हमें इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ कैथोड और एनोड के पोटेंशियल की पता लगानी है, तो हम कैसे पता लगाएं? सेल पोटेंशियल तो हमें वोल्टमीटर से भी पता चल जाता है, लेकिन इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जैसे हम हाई रिडक्शन पोटेंशियल या लो रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, वो कैसे पता लगते हैं? तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, आप सभी लोगों को देख रहा है कि इस फॉर्मूले में तीन टर्म्स हैं, ई सेल, ई सी और ई ए, और इसमें से मैंने बताया ई सेल की वैल्यू तो हमें वोल्टमीटर से भी पता चल जाती है। नाउ जस्ट इमेजिन कि ई सेल की वैल्यू हमें वोल्टमीटर से पता लग गई, और ईसी और ईए में से कोई एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल भी अगर हमें पहले से मालूम होता, मान लीजिए हमें ईसी पहले से मालूम होता, तो क्या हम ईए कैलकुलेट कर पाते? तो डेफिनेटली कर पाते। फॉर्मूले में तीन चीजें हैं, एक वैल्यू आपको सीधे वोल्टमीटर से पता चल रही है, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू हमारे पास प्री नोन होती तो डेफिनेटली हम दूसरी इलेक्ट्रोड की वैल्यू पता लगा पाते। तो इस पर्पज के लिए हमने सोचा कि अगर एक इलेक्ट्रोड की वैल्यू पता लगने से दूसरी इलेक्ट्रोड की वैल्यू पता लगाई जा सकती है, तो क्यों ना एक इलेक्ट्रोड इस पर्पस के लिए एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड ऐसी बना के रख ली जाए जिसकी वैल्यू हमें पहले से मालूम। सो दैट्स व्हाई हम लोगों ने एक ऐसी रेफरेंस, एक ऐसी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बना ली जिसकी वैल्यू हमें पहले से मालूम है, एंड दैट रेफरेंस यूनिवर्सल इलेक्ट्रोड
जिसके रेस्पेक्ट में हम किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट रेफरेंस इलेक्ट्रोड वॉज नेम्ड एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की डिटेल्ड वर्किंग और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज देखेंगे और ये समझेंगे कि हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करके किसी भी दूसरी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो सेशन। माय नेम इज अंकुर गोयल एंड यू आर एट द राइट प्लेस इफ यू रियली वांट टू अनलॉक योर ब्रेन विद अ की टू सक्सेस इन केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड which in short is abbreviated as SHE, इसे SHE कहा जाता है, SHE, and this standard hydrogen electrode is also sometimes referred as the normal hydrogen electrode, normal hydrogen electrode। तो ये याद रखिएगा, ये एक ही चीज के दो नाम हैं। आपको probably chances हैं कि कुछ books में SHE का ये दूसरा नाम NHE लिखा हुआ मिले, तो इसे रेफर करा जाता है NHE से। सो आज के इस वीडियो सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिटेल्ड कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग ऑफ दिस SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। याद रखिएगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ऐसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, एक ऐसा हाफ सेल है जिसे हम किसी भी दूसरे हाफ सेल के साथ कनेक्ट करके उस दूसरे हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इससे पहले कि हम ये सीखें कि दूसरे हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करा जाएगा, पहले हम ये देखते हैं कि ये वाला पर्टिकुलर हाफ सेल जिसे हम SHE बोल रहे हैं, ये देखने में कैसा होता है, क्या क्या कॉम्पोनेंट इसके अंदर लिए जाते हैं और इसकी खुद की वैल्यू क्या होती है। स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, हम जिस भी दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे वो सिर्फ एक रिलेटिव प्रॉपर्टी होगी, वो रिलेटिव टू SHE निकाला जाएगा, वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होगी। इनफैक्ट किसी भी चीज की एब्सोल्यूट वैल्यू हम नहीं निकाल पाते, हम हर चीज को किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। तो एटॉमिक मासेस को कैलकुलेट करने के लिए हमने जैसे कार्बन को एक रेफरेंस ले रखा है, वैसे ही हम यहां पे भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स कैलकुलेट करने के लिए हाइड्रोजन को एक रेफरेंस की फॉर्म में सेलेक्ट कर रहे हैं और हाइड्रोजन की वैल्यू को हम एक पर्टिकुलर वैल्यू पे अज्यूम कर लेंगे, जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि हमने क्या वैल्यू अज्यूम करी, और उस वैल्यू के रेस्पेक्ट में हम किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। सो स्टूडेंट्स देखिए SHE का कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कि SHE एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जो एनोड और कैथोड दोनों की तरह एक्ट कर सकती है। अब वो एनोड एक्ट करेगी या कैथोड एक्ट करेगी ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने उसे किस दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करा हुआ। तो SHE के कंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट्स याद रखिए कि इट कंसिस्ट ऑफ अ कंटेनर, एक कंटेनर होता है इसके अंदर, और उस कंटेनर के अंदर 1 मोलर HCl सॉल्यूशन एज एन इलेक्ट्रोलाइट ली जाती है। सो 1 मोलर HCl सॉल्यूशन एज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने एक कंटेनर के अंदर ले रखी है। अब आप लोगों को यह भी मालूम है कि इलेक्ट्रोड बनाते वक्त या किसी भी सेल में हम जिस भी एलिमेंट के इलेक्ट्रोड लेते हैं उस इलेक्ट्रोड को उसके अपने ही आयंस में इमर्स करते हैं। तो अगर नाम से पता चल रहा है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन के आयंस में ही इमर्स करना था। सो दैट्स व्हाई हमने हाइड्रोजन के आयंस HCl की फॉर्म में लिए, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। अब इस 1 मोलर HCl सॉल्यूशन के अंदर हमें हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड इमर्स करनी है। बट द प्रॉब्लम दैट वी फेस्ड वाज दैट कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड कैसे बनाए जाए। हाइड्रोजन तो गैस होती है, हाउ कैन वी मेक अ गैसियस इलेक्ट्रोड। तो इस पर्पस के लिए स्टूडेंट्स हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में से कोई ऐसा एलिमेंट, कोई ऐसा मेटल फाइंड आउट करा जो टोटली इनर्ट होता हो, जो ना हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करता हो और ना HCl जैसे एसिड के साथ करोड़ होता हो, और वन सच एलिमेंट इज प्लैटिनम। सो बेसिकली याद रखिए कि इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड में हम एक्चुअली प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड लेंगे, लेकिन प्लैटिनम खुद अपने रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, प्लैटिनम के ऊपर से जो हाइड्रोजन हम पास करेंगे वो हाइड्रोजन एक्चुअली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। सो प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड किस तरह से ली गई और किस तरह से हमने उसके ऊपर से हाइड्रोजन पास करी वो मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। तो मैंने आपको बताया कि हमने एक कंटेनर ले रखा है, उस कंटेनर के अंदर हमने 1 मोलर HCl सॉल्यूशन एज एन इलेक्ट्रोलाइट ले रखी है और इस कंटेनर में हम ऊपर से एक ग्लास ट्यूब इमर्स करेंगे। सो लेट दिस बी द ग्लास ट्यूब जिसमें ऊपर से एक ओपनिंग है यहां पे,
और नीचे से ये ट्यूब इस तरह से ओपन है। सो दिस इज अ ग्लास ट्यूब जो नीचे से ओपन है, दिस इज इन कॉन्टेक्ट विद HCl सॉल्यूशन, और इस ग्लास ट्यूब के सेंटर में से एक प्लैटिनम वायर जो हमने सील कर रखा है ट्यूब के अंदर, वो अंदर जा रहा है, एंड एट द बॉटम ऑफ दिस वायर एक प्लैटिनम की छोटी सी फॉइल लगी हुई है, एक प्लैटिनम प्लेट। सो आप एक बार कंस्ट्रक्शन पे फिर से ध्यान दीजिए कि दिस इज अ प्लैटिनम प्लेट, और प्लैटिनम प्लेट इज कनेक्टेड टू दिस प्लैटिनम वायर, एंड दिस वायर हैज बीन सील्ड इन अ ग्लास ट्यूब, और ये ग्लास ट्यूब नीचे से ओपन है। एट द सेम टाइम एट द टॉप ऑफ दिस ग्लास ट्यूब ऊपर एक और ओपनिंग है, और इस ओपनिंग से हम हाइड्रोजन गैस एट 1 एटीएम प्रेशर पास करेंगे। सो दिस इज हाइड्रोजन गैस जो 1 एटीएम प्रेशर पे द नॉर्मल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पे पास करी जाएगी। दिस इज द स्टैंडर्ड कंडीशन, दिस इज द सेकंड स्टैंडर्ड कंडीशन। याद रखिएगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन लेयर कोड में ये स्टैंडर्ड वर्ड इसीलिए लगाया गया है क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशंस पे ऑपरेट करी जाएगी। तो तीन स्टैंडर्ड कंडीशंस मैं आपको बताऊंगा, जिसमें से पहली स्टैंडर्ड कंडीशन मैंने आपको बताई कि एक कंटेनर के अंदर 1 मोलर HCl सॉल्यूशन एज एन इलेक्ट्रोलाइट लेनी है। उस 1 मोलर HCl सॉल्यूशन के अंदर हमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इमर्स करनी थी, बट हाइड्रोजन की क्योंकि हम डायरेक्टली इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते, इसलिए हम हाइड्रोजन गैस को किसी इनर्ट मेटल के थ्रू अंदर पास ऑन करेंगे। तो ये इनर्ट मेटल है प्लैटिनम का वायर, उसके नीचे एक प्लैटिनम की फॉइल, द वायर एंड द फॉइल हैज बीन सील्ड विद अ ग्लास ट्यूब जो नीचे से ओपन है, और ऊपर से इस वायर के अलोंग हम हाइड्रोजन गैस अंदर पास करेंगे। और हाइड्रोजन गैस आप देखेंगे जैसे ही इस लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, HCl की सॉल्यूशन के अंदर इमर्स होगी तो बबल्स अराइज होंगे। सो वी विल बेसिकली बबल इन द हाइड्रोजन गैस विद इन दिस 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। एंड द थर्ड स्टैंडर्ड कंडीशन इज दैट कि हम इस हाफ सेल को जब भी किसी दूसरे हाफ सेल के साथ कनेक्ट करके ऑपरेट करेंगे तो द ऑपरेटिंग टेम्परेचर शुड बी 298 केल्विन। सो दीज आर द थ्री स्टैंडर्ड कंडीशंस टू यूज दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो एक बार फिर से सुनिए स्टूडेंट्स, इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करने के लिए हमें तीन स्टैंडर्ड कंडीशंस रिकमेंड करी IUPAC ने। पहली स्टैंडर्ड कंडीशन इज दैट कि आपको एक कंटेनर के अंदर 1 मोलर HCl सॉल्यूशन लेनी है। इस 1 मोलर HCl सॉल्यूशन के अंदर अलोंग द प्लैटिनम वायर 1 एटीएम प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस बबल इन करनी है, और इस हाफ सेल को ऑपरेट करना है 298 केल्विन। अगर हम इन तीन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे इस हाफ सेल को किसी भी दूसरे हाफ सेल के साथ कनेक्ट करके ऑपरेट करते हैं, यूज करते हैं, तो IUPAC ने हमें ये बताया कि हम इसका स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जीरो ले, हमने जीरो एज्यूम करा। दिस इज अगेन नॉट द एब्सोल्यूट वैल्यू, हाइड्रोजन की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, बट एटलीस्ट वी हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम समवेयर, हमें कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना, कुछ तो रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो हमने हाइड्रोजन को एज अ रेफरेंस सेलेक्ट करा। IUPAC ने हमें रिकमेंड करा कि हाइड्रोजन की वैल्यू को हम जीरो मान लेते हैं, और उस जीरो के रेस्पेक्ट में हम किसी भी दूसरे एलिमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करा करेंगे। स्टूडेंट्स मैं आपको यह भी बता दूं कि कैपिटल ई के बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा चुका हूं कि कैपिटल ई का मतलब होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एंड दिस इज एन इलेक्ट्रोड। तो अगर मैं ई के नीचे एच लगा दूं तो वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड कंडीशन पे ऑपरेट कर रहे हैं तो उन स्टैंडर्ड कंडीशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ई के ऊपर नॉट भी लगा देते हैं, ई नॉट। और मैंने आपको यह भी बताया था कि हम जनरली किसी भी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को रिडक्शन की टर्म्स में पढ़ते हैं। आप रेयरली देखेंगे कि कहीं पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यूज आपको दे रखी होंगी, हर एलिमेंट के रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू आपको दे रखी होती है। तो H+ से H2 का बनना यह भी एक रिडक्शन है, द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और IUPAC ने हमें यह बताया कि अगर हम इन तीन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हाइड्रोजन को ऑपरेट करते हैं, SHE को ऑपरेट करते हैं, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हमने रेफरेंस पर्पस के लिए जीरो एज्यूम कर लिया। बट दिस इज अ यूनिवर्सल अजम्पशन, हमने यूनिवर्सली एज्यूम कर रखा है। सो बेशक ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने यूनिवर्सली एज्यूम कर लिया तो इसी को ट्रू एंड एक्सेप्टेड वैल्यू माना जाता है। तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमने एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड ऐसी बना ली जिस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल हमने हमेशा के लिए फिक्स कर लिया अंडर दीज थ्री स्टैंडर्ड कंडीशंस। और हमने कहा कि अगर हमें किसी भी दूसरी इलेक्ट्रोड का, फॉर एग्जांपल हमें जिंक का या कॉपर का या सिल्वर का या किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो हम उस हाफ सेल को इस हाफ सेल के साथ कनेक्ट करके
दोनों का डिफरेंस वोल्टमीटर से पता लगा लेंगे, उसमें से एक इलेक्ट्रोड की वैल्यू हमें पहले से मालूम है तो डेफिनेटली हम दूसरी इलेक्ट्रोड की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पर्पस यही है, इस ऑप्शन को इसीलिए बनाया गया ताकि इसके रेफरेंस में, इसके रेस्पेक्ट में हम किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकें। सो अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसका यूसेज समझाता हूं कि किस तरह से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किसी भी दूसरी इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करके दूसरी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, लेट अस कंसिडर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। सपोज कीजिए डिटर्मिनेशन ऑफ ई नॉट जेड एन ऑफ जिंक। ई नॉट जेड एन ऑफ जिंक का मतलब है द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में निकालना है, ई नॉट जेड एन की वैल्यू निकालना है। मैं आपको स्टूडेंट्स एक लिमिटेशन बता दूं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। इसकी एक लिमिटेशन यह है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करके आप किसी दूसरे एलिमेंट की भी स्टैंडर्ड वैल्यूज ही निकाल सकते हैं, यानी कि दूसरे एलिमेंट का वो रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकते हैं जब दूसरा एलिमेंट भी अपनी वन मोलर सोल्यूशन में इमर्स्ड होगा। अगर आपको वन मोलर सोल्यूशन पे पोटेंशियल नहीं निकालना, किसी और मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे निकालना है पोटेंशियल, तो उसके लिए हम सेपरेटली एक अलग से टॉपिक कवर करेंगे विच इज कॉल्ड द नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से आप किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, लेकिन एसएचई की हेल्प से किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल तभी निकाला जा सकता है जब वो इलेक्ट्रोड अपनी वन मोलर सॉल्यूशन के कॉन्टेक्ट में इमर्स्ड हो। तो जिंक का भी हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल नहीं निकालेंगे। याद रखिए स्टूडेंट, एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल और एक होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल इज द टेंडेंसी टू लूज या गेन at any concentration, लेकिन standard reduction potential is the tendency of an electrode to lose or gain the electrons when it is in contact with one molar solution. तो zinc भी हम ये consider कर रहे हैं कि zinc को हमने one molar ZnSO4 में अगर dip कर रखा है, तब इस zinc में कितना potential होगा, इस zinc का कितना standard reduction potential होगा, वो हम SHE के help से निकाल सकते हैं। तो suppose कीजिए हमें E not Zn निकालना है, तो हमने क्या करा? एक हाफ सेल, as you can see over the board, एक हाफ सेल तो हमने जिंक का ले लिया, जिंक की इलेक्ट्रोड को ZnSO4 में इमर्स करा हुआ है, और इसके बराबर में दूसरा हाफ सेल हमने SHE का ले लिया। So let this be the another half cell of this SHE. इसका कंस्ट्रक्शन अगेन आप देखिए, इसके कंस्ट्रक्शन में यहां पे हम एक ट्यूब बनाते हैं, इस ट्यूब को नीचे से ओपन रखा हुआ है एंड इस ट्यूब के सेंटर से एक प्लैटिनम का वायर जा रहा है, उस प्लैटिनम के वायर के नीचे एक प्लैटिनम की फॉइल लगी हुई है। यहां से इस ट्यूब में एक ओपनिंग है जहां से हाइड्रोजन गैस एट 1 एटीएम प्रेशर पास करी जाएगी। अगेन हम कंसीडर कर रहे हैं कि इस कंटेनर के अंदर 1 मोलर HCl सॉल्यूशन एज एन इलेक्ट्रोलाइट ले रखी है, और सर्किट कंप्लीट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज लगाना तो जरूरी है। ये देखिए, सो दिस इज द कंप्लीट अरेंजमेंट। अब अगर हमने इस पर्टिकुलर केस में जिंक की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला देखें। अभी तक हम ये फॉर्मूला लिखा करते थे, E cell is equal to EC minus EA। बट जब हम SHE के साथ किसी भी दूसरी इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करते हैं, तो क्योंकि कंडीशंस उस वक्त स्टैंडर्ड होती हैं, इसलिए इस फॉर्मूले में सब चीजों के ऊपर नॉट लगा दिया जाएगा। नाउ वी आर ऑपरेटिंग दिस फॉर्मूला, E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनो। अब जैसे इमेजिन कीजिए स्टूडेंट्स, जैसे ही हम इस की को प्रेस करके सर्किट को पूरा करेंगे, तो E नॉट सेल की वैल्यू तो हमें वोल्टमीटर से भी पता लग जाएगी। वोल्टमीटर हमने इसीलिए लगा रखा है ताकि हमें वोल्टेज पता लग सके इस सेल से मिलने वाली, तो E नॉट सेल की वैल्यू तो हमें यहां से भी पता लग जाती है। और इन दोनों में से एक इलेक्ट्रोड जो हाइड्रोजन है, वो वैल्यू हमें पहले से मालूम है, E नॉट ऑफ हाइड्रोजन इज जीरो। तो क्या हम E नॉट ऑफ जिंक निकाल पाएंगे? डेफिनेटली आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि यस, इट इज अ वेरी इजी टास्क। फॉर्मूले में तीन चीजें हैं, एक चीज की वैल्यू हमें वोल्टमीटर से पता चल रही है, इन दोनों में से कोई एक इलेक्ट्रोड हमें हाइड्रोजन की फॉर्म में उसकी वैल्यू ऑलरेडी मालूम है, तो जिंक की वैल्यू निकाल लेंगे, डेफिनेटली निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम हम यहां पे फेस करेंगे। हमें ये फॉर्मूला तो मालूम है कि E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड होता है, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि हाउ विल वी डिसाइड कि जिंक और हाइड्रोजन में से कैथोड कौन है
और एनोड कौन है, जिंक और हाइड्रोजन में से कौन कैथोड है कौन एनोड है, ये कैसे पता लगाया जाएगा? क्योंकि मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि जब हम जिंक की वैल्यू पहली बार निकाल रहे थे, क्योंकि हमें जिंक की वैल्यू मालूम ही नहीं थी, हम फर्स्ट टाइम हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट करके निकाल रहे थे, तो उस वक्त हमें रिएक्टिविटी भी नहीं पता थी कि जिंक मोर रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, तभी तो हम उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। अगर हमें पहले से पता होगी जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो डेफिनेटली हम ये मान लेंगे कि जिंक एनोड है। लेकिन क्योंकि अभी हमने उसकी वैल्यू ही नहीं निकाली, हम जिंक की फर्स्ट टाइम वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं, सो दैट्स व्हाई हमें अभी ये भी नहीं मालूम कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है। तो ये कैसे पता लगेगा कि कैथोड माइनस एनोड तो करना है, लेकिन इसे जिंक माइनस हाइड्रोजन करना है या हाइड्रोजन माइनस जिंक करना है? तो उसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका है स्टूडेंट्स कि हम यहां पे वोल्टमीटर की जगह गैल्वेनोमीटर प्लेस कर देते हैं। गैल्वेनोमीटर और अमीटर में मैं आपको एक डिफरेंस बता दूं कि अमीटर तो हमें करंट का मैग्नीट्यूड बताता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर करंट के मैग्नीट्यूड के साथ साथ करंट का डायरेक्शन भी बताता है। आई होप आप सभी लोगों को याद होगा कि किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो करंट का डायरेक्शन होता है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि करंट ऑलवेज फ्लोस फ्रॉम कैथोड टू एनोड। करंट कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो करता है, हाई रिडक्शन पोटेंशियल से लो रिडक्शन पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, क्योंकि करंट इज अ काउंटर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन एनोड टू कैथोड होता है, लो रिडक्शन पोटेंशियल से हाई रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो दैट्स व्हाई हम यहां पे गैल्वेनोमीटर प्लेस करके करंट का डायरेक्शन एनालाइज कर लेंगे। अगर हम देखेंगे कि करंट का डायरेक्शन हाइड्रोजन की तरफ है तो हम समझ जाएंगे कि हाइड्रोजन एनोड है, क्योंकि करंट कैथोड से एनोड जाता है। और अगर करंट का डायरेक्शन जिंक की तरफ है, जो गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर से पता लगेगा, तो अगर करंट का डायरेक्शन जिंक की तरफ है तो जिंक एनोड होगा, क्योंकि करंट कैथोड से एनोड जाता है। तो आप याद रखिए हम यहां पे टेम्परेरीली एक गैल्वेनोमीटर प्लेस करके करंट का डिफ्लेक्शन करंट का डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। एंड जस्ट इमेजिन कीजिए कि हमने इस केस में जब गैल्वेनोमीटर प्लेस करके करंट का डायरेक्शन पता लगाया, तो इस केस में हमें यह नजर आया कि करंट हाइड्रोजन से जिंक की तरफ आ रहा था, और करंट क्योंकि कैथोड से एनोड की तरफ आता है, इस केस में हाइड्रोजन से जिंक की तरफ आ रहा था, तो हम समझ गए कि इसका मतलब हाइड्रोजन यहां पे कैथोड होगी और जिंक यहां पे एनोड होगी। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन इस केस में कैथोड की तरह एक्ट करेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा और करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा। सो इन दिस वे वी कैन डिसाइड कि हमें क्या फॉर्मूला लगाना है। अब देखिए इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट हाइड्रोजन माइनस ई नॉट ऑफ जिंक। मैंने शॉर्ट में एच और जेड एन रिप्रेजेंट कर दिए, ये लेकिन याद रखिएगा रिडक्शन पोटेंशियल है। इसे मोर अप्रोप्रिएटली आप ऐसे भी लिख सकते हो, E नॉट ऑफ H प्लस स्लैश हाफ एच टू माइनस E नॉट ऑफ Zn2 प्लस स्लैश Zn। सो दिस इज अ मोर प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग। हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को रिडक्शन के टर्म्स में रेफर करते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं आपको शॉर्ट में इस तरह से लिखकर बता रहा हूं। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का है, ये रिडक्शन पोटेंशियल Zn का है। अब सपोज कीजिए वोल्टमीटर जो हमें वैल्यू बताता है ई नॉट सेल की, लेट दैट वैल्यू बी 0.76। सपोज कीजिए इस केस में वोल्टमीटर ने हमें डिफ्लेक्शन शो करा 0.76 वोल्ट्स पे, सो वी कैन से 0.76 वोल्ट इज इक्वल टू 0 माइनस ई नॉट जेड, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि ई नॉट हाइड्रोजन 0 लिया जाता है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। और अब आप देख सकते हैं फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन एस्टैब्लिश कि ई नॉट ऑफ जिंक कम्स आउट टू बी माइनस 0.76 वोल्ट। तो दिस कम्स आउट टू बी द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक जो नेगेटिव में आया। याद रखिए स्टूडेंट्स इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की जो वैल्यू है वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकती है, हाँ लेकिन सेल पोटेंशियल कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, बिकॉज सेल पोटेंशियल या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ये दोनों ही हाई रिडक्शन पोटेंशियल माइनस लो रिडक्शन पोटेंशियल करके निकाले जाते हैं। तो हाई माइनस लो वैल्यू तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगी, पूरे सेल का ईएमएफ या पूरे सेल की जो वोल्टेज होती है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, वो पॉजिटिव ही होती है। लेकिन अभी हमने इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड की वैल्यू निकाली है, वो नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है। याद रखिए दिस इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, ये जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है और हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमने जीरो लिया। तो आप बताइए कि जीरो और माइनस 0.76 में से छोटी वैल्यू कौन सी है? जिंक, जिंक की वैल्यू छोटी है माइनस 0.76, तो हम इसे कहेंगे लो रिडक्शन पोटेंशियल और हाइड्रोजन है हाई रिडक्शन पोटेंशियल। सो इससे भी क्लियरली एस्टैब्लिश हो रहा है कि ये लो रिडक्शन पोटेंशियल है तो ये एनोड था इसका मतलब इस कॉम्बिनेशन में, और हाइड्रोजन की जीरो वैल्यू है विच इज हाई रिडक्शन पोटेंशियल तो वो कैथोड की तरह एक्ट कर रहा था।
सो स्टूडेंट्स इन दिस वे हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट करके जिस तरह से हमने जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल निकाला वैसे ही हम हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट करके डिफरेंट एलिमेंट्स के रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। इनफैक्ट आज की डेट में हमारे पास हर एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अवेलेबल है जो हमने ऑलरेडी हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट करके निकाला हुआ है। जैसे जिंक की वैल्यू -0.76 आती है वैसे ही अगर आप कॉपर को हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट करके निकालेंगे तो ई नॉट ऑफ कॉपर की वैल्यू +0.34 वोल्ट आएगी। अगर आप सिल्वर को कनेक्ट करके निकालेंगे तो ई नॉट ऑफ सिल्वर की वैल्यू +0.80 वोल्ट आती है। तो दीज आर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एंड दीज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स इन्हें स्टैंडर्ड मैं आपको फिर बता दूं इन्हें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये इन इलेक्ट्रोड्स के वो वाले पोटेंशियल है जब इन इलेक्ट्रोड को 1 मोलर सॉल्यूशन में इमर्स करा गया था। किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने की जो टेंडेंसी होती है किसी भी इलेक्ट्रोड पे डेवलप होने वाला जो पोटेंशियल होता है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस इलेक्ट्रोड को कितना मोलर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में इमर्स करा गया है। सो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे पोटेंशियल्स अलग अलग आते हैं लेकिन ये याद रखिएगा ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है इनकी वैल्यू फिक्स होती है क्योंकि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 1 मोलर पे ही निकाले जाते हैं। तो SHE की लिमिटेशन है कि SHE की हेल्प से तो आप 1 मोलर वाली वैल्यू ही निकाल सकते हो लेकिन हम दूसरे कॉन्सेंट्रेशन पे अगर हमें वैल्यूज निकालनी है तो उसके लिए हम नर्स्ट इक्वेशन व्हिच इज अ सेपरेट टॉपिक प्रोबेबली जो हम एक दो वीडियो लेक्चर्स के बाद हम कंटिन्यू करेंगे उस टॉपिक को हम वहां पे पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स जिस तरह से हमने जिंक की वैल्यू निकाली उसी तरह से हमने कॉपर और सिल्वर की वैल्यू निकाली और वेरियस एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल जिनकी भी हम इलेक्ट्रोड्स कंस्ट्रक्ट कर सकते थे उन सभी को हमने एक एक करके हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट करा और SHE की हेल्प से हमने सभी एलिमेंट्स के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स कैलकुलेट कर लिए। कुछ की वैल्यू जिंक की तरह नेगेटिव आई कुछ की वैल्यू पॉजिटिव आई। फिर हमने क्या करा स्टूडेंट्स इन सारे एलिमेंट्स की ये जो वैल्यूज आई इन सभी एलिमेंट्स को इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज के टर्म्स में इनके ऑर्डर में अरेंज कर दिया। जनरली ये अरेंजमेंट मोर नेगेटिव टू मोर पॉजिटिव करी जाती है लेकिन कुछ बुक्स में आप देखेंगे कि पॉजिटिव टू नेगेटिव भी दिखा सकते हैं बट इट डजंट मैटर कि आप इन सारे रिडक्शन पोटेंशियल को पॉजिटिव टू नेगेटिव अरेंज करते हैं या नेगेटिव टू पॉजिटिव अरेंज करते हैं बट द थिंग इज दैट कि एक ऑर्डर में होना चाहिए एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो याद रखिए स्टूडेंट्स जब आप वेरियस एलिमेंट्स के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज को आप एक ऑर्डरली मैनर में अरेंज कर देते हैं तो उस अरेंजमेंट को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाता है और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ही हमारी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का टॉपिक होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आई एम गोइंग टू टेल यू कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखने में कैसी होती है किस अरेंजमेंट में उसके अंदर वेरियस एलिमेंट्स के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स को अरेंज करा गया होता है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक अरेंज्ड मैनर में लगाने की जरूरत ही क्यों पड़ती है व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ दोस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस द यूज ऑफ दिस रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज हम देखेंगे कि इन रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज का क्या यूज होता है ये किन किन एप्लीकेशंस में यूज करी जाती हैं और इसी तरह के और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड देखेंगे। बट आई होप आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ाया गया सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। आई होप आप लोगों को क्लियर है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्यों बनाया गया और उस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ऑपरेट कैसे करा जाता है किस तरह से हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से दूसरे किसी भी एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर टुडे आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वी आर गोइंग टू स्टडी द यूज ऑफ दीज रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज हम ये देखेंगे कि इन रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज को अरेंज करके जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई उस सीरीज की एप्लीकेशंस क्या होती हैं। टिल देन हैव अ ग्रेट डे थैंक यू।